लॉकडाउन के चलते मुरादाबाद से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद मार्मिक है। बीमारी के चलते हुई मौत के बाद बेटी ने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए पिता को मुखाग्नि दी है। पिछले 12 दिनों से चल रहे लॉकडाउन ने देश की गति पर जैसे लगाम लगा दी है। हर देशवासी घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इस लॉकडाउन में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो जहन को अंदर से झंझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मुरादाबाद लोकोशेड स्थित मोक्षधाम से आई है। दरअसल लाइन पार इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की लंबी बीमारी के चलते देर रात मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार उनके केवल दो ही बेटियां हैं। बड़ी बेटी की वो शादी कर चुके हैं, छोटी बेटी बची हुई है। अभी जनवरी में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद से उक्त व्यक्ति परेशान चल रहा था, जिसके चलते भी बीमार हो गया और देर रात उसकी भी मौत हो गई। लॉकडाउन चल रहा है, मृतक का अंतिम संस्कार भी होना जरूरी है, तो अन्य परिजनों ने मंझोला पुलिस से बात करते हुए समिति के लोगों के साथ बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए लोकोशेड मोक्षधाम लाकर क्रियाक्रम की शुरुआत की। अब बारी थी मुखाग्नि देने की, तो मृतक की छोटी बेटी ने रोते हुए बेटे का फर्ज निभाया और अपने पिता के शव को मुखाग्नि देते हुए सनातन धर्म के अनुसार अंतिम क्रिया करते हुए समाज के लिए एक मिसाल पैदा की। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के दामाद ने बताया, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है इसलिए उनकी बेटी ने अंतिम संस्कार किया है। तो पहले मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, तो पहले वो एक्सपायर हो गया था जनवरी का। फिर जब से वो हुई तब से पापा भी आधे हो गए, क्योंकि अकेलापन महसूस होने लगा। तो वही गाड़ी की समस्या बेसिकली ये होती है कि अकेला फील करना शुरू कर देते, क्योंकि एक बेटी तो शादी हो गई, दूसरी भी हो ही जाती। तो वो आगे का जो है थोड़ा टेंशन में आ गया ना, फिर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत भी हार गई। कल रात ही हमें कल रात को 10 बजे के आसपास आया था। हम लोग कभी तुरंत हरकत में आए, मैं भी दिल्ली से यहाँ आने का रास्ता खोजने लगा किस तरीके से आ सकता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है। तो फिर हमने मैं तो फिर पैसा गया था बाइक के साथ, अपने सब बाइक से आया, जो भी बीच में इंक्वायरी हुई सबको बता दिया था, पुलिस ने भी सपोर्ट किया, पास को देखते हुए और पापा जी की तबीयत ख़राब चल रही थी, उनका इलाज नहीं चल रहा था, दो ढाई महीने से दिखा भी देते डॉक्टर को, बट लास्ट में उनको रिफ़र कर दिया था कि दिल्ली में आप ले जाइए सफदरजंग में। बस वो दिल्ली नहीं जाने की राह देख रहे थे, क्योंकि थोड़ा उनके स्वेयरिंग वगैरह ज़्यादा हो गई थी हाथ में ना, तो उनसे आज रह नहीं रहा था। तो अंतिम संस्कार कौन कर रहा है जी? है सर, अंतिम संस्कार कौन कर रहा है? आग जो देते हैं मुखाग्नि किसने? अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जा रहा है? अब तो इनके जो मेरी साली है, जो छोटी इनकी बेटी है मानसी गुप्ता, वही कर रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि और कोई है नहीं। बड़ी वाली की देखें शादी हो गई, तो अब यही बचते हैं और कोई है नहीं करना, क्योंकि भाई वगैरह ऐसा कोई पास में है नहीं, सब भूल भी जाते हैं। तो मौके का इंतजार तक को देखते हुए जो उपयुक्त था सलाह लेके, मुझे भी बाद में पता लगा कि मानसी के यहाँ छोटी छोटी बेटी है।